बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच जीतने के लिए बस बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। कप्तान बाबर आजम कह रहे हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे। भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों हमें अपना रिवायती हरीफ समझते हैं। रेस्ट तो फिर रिजवान का भी बनता था। आपके पास सरफराज अहमद मौजूद है, उनको मौका दें। कई ऐसी बातें हुई फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान और रवीज राजा साहब के दरमियान, बड़ी इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। और वर्ल्ड कप की जो खुशगवार यादों में शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतना ज्यादा खो गई थी कि आज बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच जीतने के लिए बस बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि हार जाएंगे, लेकिन फिर शादाब और नवाज ने आखिर में अच्छी पावर हिटिंग करके पाकिस्तान को फतह दिला दी। लेकिन लम्हा फिक्रिया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कमजोर टीम के खिलाफ पाकिस्तान को बड़ी आसानी से जीतना चाहिए था। दूसरा मैच अब आज खेला जाएगा, उम्मीद है वो भी जीत के पाकिस्तान सीरीज अपने नाम कर लेगा। और कप्तान बाबर आजम कह रहे हैं मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाएंगे, लेकिन फिर रिजवान को क्यों रेस्ट नहीं दिया गया, ये भी एक अहम सवाल है। इस पर भी हम आज बात करेंगे। और PSL के जो मामला चल रहे हैं और जिस तरह एक अच्छी डील हुई है टाइटल स्पॉन्सरशिप की, वो भी हमारे शो का हिस्सा होगा। तो प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले T20 इंटरनेशनल की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। और मैं ये कहूंगा कि बांग्लादेश की जो एक नौ आमूस टीम है उसने नाको चने चबा दिए हमें और बड़ी मुश्किल से मैच ये जीते। और आपको पता है पाकिस्तान टीम हमेशा बेस करती है रिजवान पे और बाबर पे, दोनों जल्दी आउट हो गए, दबाव पड़ा। फिर जिस तरह विकेटें गवाई कुछ बैट्समैनों ने, बिल्कुल बाहर जाती हुई गेंदों को खेला। और शोएब मलिक जिस अजीब व गरीब अंदाज में रन आउट हुए, वो भी एक अजीब सी चीज थी। और एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच हाथ से निकल गया है, लेकिन फिर आखिर में जिस तरह शादाब खान ने और मोहम्मद नवाज ने अच्छी हिटिंग की, उससे फिर पाकिस्तान टीम फतह हासिल करने में फिर शुरू हुई। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी फतह नहीं थी जिस पर हम फख्र कर सकें। बड़ी मुश्किल से ये मैच जीते। फख्र से याद आया, फख्र अच्छा खेल रहे थे, मैं समझे शायद वो फिनिश करके जाएंगे, लेकिन जल्दी आउट हो गए थे। आखिर में शादाब खान का और नवाज का जिक्र जैसे पहले किया था, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। और बांग्लादेश के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा क्लोज पहुंच जाते हैं, लगता है कि जीत जाएंगे, एंड में कोई लम्हे आके बदल देता है। तो भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों हमें अपना रिवायती हरीफ समझते हैं और इनके खिलाफ मैच तो हर हाल में जीतना ही चाहिए। तो शुक्र है कि पहला T20 पाकिस्तान ने जीत लिया। लेकिन बांग्लादेश की टीम बड़ी कमजोर है, कई स्टार प्लेयर्स नहीं है, शकीब भी नहीं है और मुशफीक को भी ड्रॉप कर दिया था, बड़े नाराज भी हुए, स्टेटमेंट उनका आया था। और तजुर्बे की बड़ी कमी है, खासतौर पर उनकी बैटिंग में, महमूदुल्लाह ही सीनियर प्लेयर सबसे हैं। उसके बावजूद इस तरह से जीतना नहीं, ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप की यादों में खोए हुए, ग्रीन शर्ट्स, वर्ल्ड कप गया, आगे का सोचें। अभी बांग्लादेश की सीरीज है, फिर आगे जो सीरीज हो रही है उनको सोचें। क्रिकेट में ऐसा ही है, हर नया दिन नया होता है। एक दिन आप हीरो हैं, दूसरे दिन फिर आप जीरो भी बन सकते हैं, इसलिए जरा तगड़े रहें। अब बात करते हैं हसन अली के हवाले से। हसन अली वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैच ड्रॉप किया, इवेंट में उनकी बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी, बहुत ज्यादा गिरे हुए थे, बहुत ज्यादा वो दबाव का शिकार थे, लेकिन फिर प्लेयर्स ने उनकी हौसला अफजाई की, बाकी लोगों ने भी उनको, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे बुरा भला कहा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनको हौसला बढ़ाया उनका। उसका सिला ये सामने आया कि हसन अली ने पहले T20 में बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 3 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले लिया। एक मैच पहले वो जीरो बन गए थे, अब दोबारा हीरो बने। हमारे लिए बड़ा जरूरी है हसन अली का भी फॉर्म में आना। और शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान ने रेस्ट दिया था, एक दो और प्लेयर्स को भी रेस्ट दिया। रेस्ट तो फिर रिजवान का भी बनता था। रिजवान बेचारे इतने बीमार रहे थे कि हॉस्पिटल में वो दाखिल रहना पड़ा था और काफी बुरा उनका हाल था। सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप का, वो मजबूरी थी खेलना उनकी। लेकिन अब तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, यहाँ उनको रेस्ट कराना चाहिए था। पहले मैच में नहीं कराया, अगले मैच में रेस्ट कराया। आपके पास सरफराज अहमद मौजूद है, उनको मौका दें। ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल तो होना नहीं है कि बस आपको हर हाल में खिलाना है रिजवान को। तो जो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौके नहीं मिले, उनको मौके दें। जैसे पहले मैच में देखा आपने हैदर अली को आजमाया, हैदर अली मौके से फायदा नहीं उठा सके और एक अजीब व गरीब शॉट खेलते हुए LBW हो गए वो। लेकिन वसीम की बॉलिंग अच्छी थी और लोग भी इम्प्रेस हुए। मौके ऐसे ही मिलते हैं, जब आपको मौके मिले तो ऐसा चौका मारें कि बस फिर लोग बोलें कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसको तो खिलाना चाहिए। तो ये प्लेयर जो है इनको सोचना चाहिए। नवाज को चांस मिला, नवाज ने भी अच्छा परफॉर्म किया,
तो होपफुली अगले मैचों में टीम में कुछ और चेंजेस में नजर आएंगी और पाकिस्तान टीम आराम से जीतेगी, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे मैच। तो आखिर में बात करते हैं पीएसएल के हवाले से कुछ। पीएसएल की एक अच्छी डील हो गई टाइटल स्पॉन्सरशिप की पीसीबी की, और कोई भी ऐसी इस वक्त मार्केटिंग का सरबरा नहीं है डिपार्टमेंट का, रवीज राजा खुद देख रहे हैं बाकी टीम के साथ, और एक 55% का रेज मिला है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में कोविड के बाद पे जो चल रहे एक बेहतर डील हुई है, फ्रेंचाइजिस को उससे काफी फायदा होगा क्योंकि अब जो नया फाइनेंशियल मॉडल बना है उसमें 95% शेयर उनको मिलना है, तो 95 का मतलब है कि तकरीबन सारे पैसे उनके पास आएंगे। आगे ब्रॉडकास्ट की भी डील होने वाली है, वो भी अच्छी हो गई। तो ये लोग जो हमेशा कहते रहते हैं नुकसान हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो वो चीज जो है थोड़ी कम होगी। लेकिन मीटिंग जो है उसमें काफी बातें होती रहती हैं, आखिरी मीटिंग में भी कई ऐसी बातें हुई फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान और रवीज राजा साहब के दरमियान, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उस पर एक पूरा शो बनता है। आज तो अभी बांग्लादेश में हमने बात कर ली और जवाब पीछे बैठ के इशारे कर रहे हैं मुझे कि बस टाइम हो गया खत्म करे। ये था हमारा आज का शो। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें अपनी राय देना चाहें तो ट्विटर पर @SharifKhane क्या क्रिकेट पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पे रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर एक और शो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।